हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अच्छा भाईजान, मैं जो आपसे आज बात करना चाह रहा हूं उसका मकसद किसी एक शख्स को बेनकाब करना हरगिज नहीं है। मुझसे तो पूछ लो, मैं तो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। क्यों सर? हद हो गई है तुम्हारे वाली। पहले मुझे कह कह के भाईजान भाईजान तो बुजुर्ग पेंट करता है, उसके बाद जब भी सीरियस होता है अच्छा भाईजान। मैं तुम्हें दिल की अथाह गहराइयों से भाईजान कहता हूं। भाईजान ना कहा करो तुम, कह सीधा कहा करो आइए जी, जैसे छोटे भाइयों को बुलाते हैं। चलो अभी तो पास नहीं किया। अजय जी चलो सीधा होके मेरी गाल सुन यार, ठीक है? अब ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जो बात बताने लगा हूं उसका मकसद किसी एक शख्स को बेनकाब करना हरगिज हरगिज नहीं है। मैं एक लम्हे फिक्रिया या एक रुझान की, एक मनफी रुझान की निशानदेही करना चाहता हूं। जी। वो ये है कि बहुत सारे मामलात मैंने देखे हैं, हर बल्कि साल में एक दफा तो जरूर आपको सोशल मीडिया पे एक दरफुंतनी छुटती हुई नजर आती है कि जी पाकिस्तान ने फलां शख्स के जरिए फलां एजाज हासिल कर लिया। बंदा बड़ा खुश होता है और जनाब दबा दब सारे लोगों को, दोस्तों को, अजीजों को मैसेजिंग करनी शुरू कर देता है, देखो यार पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट छुपा होता है। थोड़े दिनों के बाद पता चलता है पक्का फ्रॉडिया था वो बंदा। थोड़ा अरसा पीछे जाओ, याद करो, वो पानी से गाड़ी चलाने वाला बंदा आगा इफ्तखार नामी इंजीनियर, जी जी जी, किस कदर बाद में हमें शर्मिंदगी और खजालत का सामना करना पड़ा था यार। दीदी उसका मेरा ख्याल है उसने पानी से गड्डी चला ली थी, पानी साफ नहीं था मिल रहा पाकिस्तान। उसने जो तजर्बा किया था वो साफ पानी का था। अच्छा, उसकी मैं तुम्हें बाद में वजाहत करता हूँ। जिस वजह से मैं आज इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है अरबाब खिजर हयात खान साहब, मर्दान से गालबन उनका ताल्लुक है, उर्फे आम में उनको खान बाबा कहा जाता है जी। पूरी दुनिया में इस वक्त वो वेट लिफ्टिंग के, ओ तेरा अल्लाह करम करे, वो तो मुझे को 186 दोस्तों ने उसका वो सेंड किया वीडियो। और वो सही नहीं है यार, सुनो, और डोंट टेल मी प्लीज। यस आई एम टेलिंग जस्ट मी। हर बंदे ने नीचे बड़े फखर के साथ लिखा हुआ है, जुनैद साहब देखें आप बड़ा बड़ा पाकिस्तान का टैलेंट डिस्कस करते, ये नजर नहीं आ रहा। और उस शख्स की जो जुस्सा है ना, उसकी जो जसामत है, अपने गोगे को 3 से या 3.5 से जरब दो तो वो बंदा बनता है। नहीं, नहीं, 4.5 कर लो फिर भी। वो वाकई बड़ा तगड़ा है। अच्छा, अफसोस की बात ये जो लम्हा फिक्री है वो मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले इस शख्स का जरा जिक्र कर ले। खान बाबा साहब का दावा ये है कि उन्होंने अमरीका में होने वाले जो 2017 के ये जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है जी, जी, इसमें अचानक नमूदार होके 400 केजी का वजन उठा के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के साइड पे बैठे। अच्छा, बात यहां तक रहती तो समझ आ जाती, हजम हो जाती। उस बंदे ने बाकायदा लाखों रुपए लगा के अपनी एक अपना वीडियो क्लिप बनाया है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए 2017 की चैंपियनशिप दिखाई गई है। CNN पे खबर चलती हुई नजर आ रही है, साथ कमेंट्री हो रही है। बंदा पैसे वाला है, लेकिन देखो उसने किया क्या है। वैसे मैं तुम्हें मैं माफी चाहता हूं, जब मैंने उसकी वीडियो देखी ना तो मैंने सोचा कि ये वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला हो रहा है वेट लिफ्टिंग का, इसमें ये शलवार कमीज ऊपर उसने जैकेट पहनी हुई और ऐसे ऐसे करके आया है चप्पल के साथ। इसको किसी अंग्रेज ने नहीं कहा कि कॉस्ट्यूम कहाँ है आपका, आपकी आपका को जो तरीका होता है वजन उठाने का वो आपने नहीं अपनाया भाई जी, तुसी बाहरों अपना ट्रैक्टर ट्राली खिलार के अंदर आ गए हो। असल में ना हम बस ये तो कौम नरगसियत का शिकार है, नरगसियत का तो हम इतना शिकार हुए हुए हैं कि अब नरगसियत खुद शिकार हुई पड़ी। नहीं, मेरा मतलब है कि हम खुद तौसीफी का शिकार है। हम अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश होते हैं, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो। अब मुझे बताओ
कि क्या ऐसा मुमकिन है, ये जो तुमने निशानदेही की है कि ड्रेस कोड होता है, लेकिन ड्रेस कोड से हट के भी क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई राह गुजरता बंदा जाके कह सकता है साइड पे हो जाए मैं आपको करके दिखाता हूं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही उसने दावा किया। हालांकि जो वेट लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें जो हैवीएस्ट कैटेगरी है वो 105 प्लस किलो, और उस कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा वजन उठा के गोल्ड मेडल हासिल किया है बंदे ने वो 257 केजी का था, इस बंदे ने 400 केजी। अच्छा, अब अफसोस की बात यह है कि जब इसने ये दावा किया, इसकी ये जो वीडियो क्लिप है वायरल हुआ, उसके बाद और तो और सोशल मीडिया को तो एक तरफ रहने दो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है 2-3 चैनल्स ने बतौर खबर इस बात को नशर किया, 2-3 अंग्रेजी अखबार ने उसके इतने इतने बड़े इंटरव्यूज शाया किए बड़े फखर के साथ, यानी सोशल मीडिया को फॉलो किया मेन स्ट्रीम मीडिया। उसने बड़े आराम से वेट उठाया, उसके बाद उसने फेंका, फिर एक शोर उठा स्टेडियम में, फिर उसने कैमरे के पास आके किया। अच्छा, इसी तरह अक्सर तुम देखते हो ये हर साल 2 साल के बाद जो गाड़ी वाली हम बात कर रहे थे, उस बंदे ने इंजन के नीचे एक छोटा सा फ्यूल पंप छुपाया हुआ था, उसके जरिए वो पेट्रोल हासिल करता था जिस पेट्रोल से गाड़ी चलती थी। अब बगैर तस्दीक किए हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसका चर्चा रहा। हाँ। हमारी काबीना के कुछ वजरा ने बनफसे नफीस जाके गाड़ी चलते हुए देखी, फिर अल्टीमेटली उसको पैसे भी दे दिए गए, सरकारी खजाने से पैसे भी दिए गए थे। अल्टीमेटली जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन और हमारा जो इंजीनियरिंग का सरकारी इदारा है उसको कहा गया कि ये जांचो, तो तीसरे दिन हकीकत खुल के सामने आ गई कि इससे बड़ा तो फ्रॉड ही कोई नहीं। इसी तरह मैं छोटी सी एक और बात बताऊंगा कि कुछ दिन पहले हमारे केपी में एक बंदे ने इसी तरह का दावा किया था, जी वो जनरेटर पानी से चलाता है, वो भी इसी तरह का फ्रॉड किया था, और लोगों ने सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ एक दूसरे को शेयर कर रहे थे बड़े फखर के साथ। यार ये लोग जो हमारे इंजीनियर है ना, पहले बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि हम कुछ भी नहीं बना पा रहे, इसलिए थोड़ा चुप रहे। ये लोग जो हमारे इंजीनियर है ना, इन्होंने जो चीजें बनाई है पानी से चलने वाली गड्डी जनरेटर ये वो, ये वाकई कामयाब तजर्बे हैं। साडे मुल्क च पानी साफ नहीं। हाँ जी। अच्छा, ये खान बाबा साहब ने पूरे तमतराक के साथ ये दावा भी कर दिया कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मैं तो तलाश कर करके थक गया हूँ, कहीं पर भी नहीं उसका नाम मिला। ये भी आपकी गलती है, आपकी गलती है। गिनीज बुक की आपने कौन से एडिशन वाली कॉपी पकड़ी थी? मैंने ताजा तरीन देखी थी। ताजा तरीन में तो नहीं है। हाँ। वो उससे जो पिछला सेकंड लास्ट एडिशन है उसमें छपा। अच्छा, जब उसने कारनामा सर अंजाम दिया उससे पहले मिले। भाई जी तुसी क्यों इन्ना हंसे? ठहर जाओ, बात तो सुन। पहले उसने गिनीज बुक में छपवाया गिनीज बाबे ने, अपना खान बाबे ने, फिर उसने आके तो किताब उठाई। अच्छा, नहीं अपना वेट उठाया। अच्छा, इसी तरह फैसलाबाद से कुछ अरसा पहले एक बंदे ने दावा किया था कि वो एक वक्त में कोरमे की पूरी देख खा जाता है, सोशल मीडिया में धड़ाधड़ उसके क्लिप्स शेयर हो रहे हैं। फैसलाबाद का तो गोगा भी है। वो एक देख खाता है, ये अलग फैल से डेढ़ देख खाता है। मैं नहीं मानू, ले आओ मंगाओ यार, देख मंगाओ। गोगे चुप रही सारी डाल के खा मंगाओ जी देख। जिस तरह तुम ये चैलेंज दे रहे हो ना, एग्जैक्टली हमने जब खान बाबा साहब से राबता किया और उनको ये कहा कि हम आपको इतना बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम दिया है, हम आपको अपने शो में बुलाना चाहते हैं, हमारी इज्जत अफजाई होगी, बड़ी खुशी से उन्होंने हम ही बारे जरूर में आऊंगा। हमने कहा जी कि लेकिन 400 केजी वजन भी आप उठाएंगे? कहते नहीं नहीं, अभी मैंने पिछले दिनों तो उठाया है, इतनी जल्दी मैं दोबारा नहीं उठा सकता। हमने कहा हम इंतजार कर लेते। कहते नहीं नहीं, ये बार बार तो ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा। वैसे खान बाबा कह तो सही रहा, मैं भी रात को 2 देगें खाई हैं, मैं भी इस वक्त इसलिए नहीं खा सकता। तो 2 देगें वाला पैसे लेने आया हुआ इसलिए। नहीं नहीं, ये 2 देगें जब इकट्ठी खा लेना उसके बाद फिर सिवाय लित्रों के और नहीं कुछ खा सकता, क्योंकि 2 देगों के पैसे इससे निकलते नहीं। और फिर जरा देगा लैके आया हों क्या कट लो भी डांगा डांगा। मैंने इस गलों ज्यादा वाई दिया कि मुद्दा हो जाए ना, तेरे को सीधा नहीं हो जाता। तेरा कच्चू कुमा मुद्दा हो जाए ना, तेरे को सीधा नहीं हो जाता। यार खुदा का नाम ले, इस कदर वजी खूबसूरत नौजवान को कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तू सोना देखो। अभी यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।